कि विस्की ब्रिज, इसका नाम है विस्की ब्रिज, कटे नहीं जाता था इसलिए इसका नाम रखा गया गाटा लूप्स। तो ये है आपका गाटा लूप्स, सरचू से 29 किलोमीटर्स उसको भी पहुँच चुके हैं नगीला टॉप, जो कि 15,547। सो गाइस, मैंने और स्कूबी ने 17,688 फीट की ऊंचाई। क्यों कोको के साथ लड़ रहे हो? कोई नहीं लड़ रहा है, आपके साथ है ना? स्कूबी बोलो लड़नी लड़ने के लिए दोनों। भाई साहब मुझे देखा भी नहीं जा रहा भाई। बर्फ ही बर्फ आ रहे, हल्के 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 हल्के, ये देखिए समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, एकदम मतलब बर्फ गिरने लग गया 3 बजे के बाद, वैसे ही भूल गया नहीं। तो गाइस अभी हम लोग ने क्रॉस किया है सोलटक चेक पॉइंट, यहाँ से देख रहे हो आप लोग पहाड़ों में आपको बर्फ ही बर्फ नज़र आने लग रहे होंगे धीरे धीरे करके। तो अब यहाँ से टेम्परेचर माइनस में गिरने लगेगा धीरे 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 धीरे, तो देखते हैं कैसे मैनेज कर पाते हैं हम लोग। तो भाई तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं चांगलांगला और ये है चांगलांगला बाबा का, भाई साहब ने बीच में लगा दिया बाइक, हम ले नहीं पाएंगे। सो गाइस मैंने और स्कूबी ने 17,688 फीट की ऊंचाई पर आ चुके, अभी मतलब कि क्रॉस कर लिया है, मतलब क्रॉस करेंगे अभी चांगलांगला पास जो कि हाईएस्ट फीट है। और भाई बहुत ठंड हो रहा है, बहुत ठंड, हाथ जम रहे, शिविर हो रहा है पूरा ज़्यादा, क्योंकि आपको देखिए तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर चुका है और सीज़न का पहला बर्फ है, आगे देखते और भी ठंड होने वाली है। तो चांगला बाबा स्थल पर अभी स्थल पर, तो जय बाबा की, बस सेफ रखिएगा जर्नी को और ऐसे ही दोबारा बुलाइएगा ताकि हम लोग यहाँ पर दोबारा आ सके, शायद स्कूबी के साथ या स्कूबी के बिना, लेकिन आए ज़रूर, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं ज़रूर, और इसी फंड को देखते हुए गाइस प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करिए चैनल को, और प्लीज़ कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा चांगला बाबा के लिए चांगला बाबा जय। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में आपको हम लोग। भाई लोगों टू लेन, भाई साहब रोड इतना मस्त बना दिया ना भाई, अरे बस बर्फ ना हो ना ये रोड मक्खन है, आराम से आदमी पहाड़ के 40-50 किलोमीटर आराम से कवर कर सकता है। बस यार बस इतना बढ़िया लेन बनाया है, देखा टू लेन। सो गाइस अब बस 10 किलोमीटर रह गया खारू के लिए, आज हमारा यही प्लान हो गया कि बस खारू रुकेंगे और कल निकलेंगे मनाली के लिए। सो एक और फ्रेंड था हमारा अनुपम, उसने वेट नहीं किया, वो आगे चला गया मे बी सम रीजंस। सो देखते हैं खारू वो कौन सा 12 लाख पास आज कर पाएगा वो, हाँ मुश्किल है ना, शाम 3 बजे तक ही ना। तो देखते हैं, अपडेट लेंगे उससे, पता करेंगे है ना कि कर पाए नहीं कर पाए 12 लाख। बाकी अभी कुछ लोगों से हमें विदाई लेना है क्योंकि अभी यहाँ के बाद हमारे जो तीसरे जो बाइकर थे जो चेन्नई से आए थे वो यहाँ से अलग हो जाएंगे, वो निकल लेंगे लेह के लिए और फिर वो गुलमर्ग होते हुए फिर जाएंगे दिल्ली और चेन्नई। सो बस गाइस अभी उनसे मिलते, ये हैं हमारे दया भाई जो काफ़ी अब देर तक आपने सुना कुछ तो गड़बड़ है। सो ये है उनकी बाइक, तमिलनाडु चेन्नई से यहाँ तक ड्राइव किया, सो हार्ड सो टफ बट सो फार सो गुड, है ना, सो फार सो गुड, सो मेमोरीज लेके जा रहे हैं ना, क्यों दया। सो दूसरे भाई तो लगे पड़े भाई
मतलब जॉब शुरू हो चुका है। ओ भाई क्या करें, ये काम भी तो करना है तभी तो स्ट्रगल करेंगे। तो भाई अब निकलते हैं यहाँ से खारू के लिए। 10 किलोमीटर से हार्डली हमें 10-15 मिनट्स लगेगा अगर के भी जाते हैं तो। और वहाँ जाके शॉपिंग थोड़ा सा करना है क्योंकि हमें लेना मेमोरी कार्ड्स। पांडे का मेरा पूरा फुल हो चुका है। पांडे का मैंने ऑलरेडी मेमोरी कार्ड एक ले लिया था तो अब उसको एक खिलाऊंगा और एक एक्स्ट्रा उसको चाहिए। तो दो मेमोरी कार्ड मैं रखूँगा और बाकी कोको को बिठा दिया है। स्कूबी भी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, वहाँ पर बैठी हुई है, रेस्ट कर रही है और वहीं पड़ा होगा, देख लिया ना सामान वहीं पड़ा होगा, चेकअप कर लें। तो बस अब गाइज निकलते हैं, एंड करूँगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और इन भाइयों के लिए ज़रूर कमेंट करें जो चेन्नई से आया और ज़रूर थम्स अप दें वीडियो में। सो गाइज मिलते हैं फिर, है दया। सो गाइज मिलते हैं, मिलते हैं फिर, या फिर होपफुली चेन्नई मिलते हैं, ठीक है या। ओ सेकेंड बॉय। सो गाइज ये दूसरे भाई, इनका शिफ्ट शुरू हो गया था। तो भाई मिलते हैं फिर, होपफुली विल मेट इन चेन्नई या और सेकेंड टाइम विल मीट हियर, जब भी होगा तब भी, है ना। सो भाई गाइज इनके लिए तो कम से कम लाइक बनता है और जरूर सब्सक्राइब करें। सो गाइज निकलते हैं अब खारू के लिए एंड लास्ट बाय टू दया। सो दया बाय, तो स्कूबी विल मिस यू। चल मिलते हैं, ओके बाय। So now we are on the way to Karu. Karu is only 10 kilometers यहाँ से रह गया है। ओहो यहाँ तो SBI का बैंक भी है, इनका काम भी हो जाएगा यहाँ से। ओहो यही होता है जर्नी में, मिलते हैं जुलते हैं लोगों से, नए लोगों से मिलते हैं, थोड़ा इमोशनल टच बन जाता है, प्यार बन जाता है और उसके बाद है पांडे अच्छा सा नहीं लगा यार, है ना, एक इमोशनल टच बन जाता है ट्रेवल करते करते, है ना भाई। मैं बोला एक ट्रेवल करते करते लोगों के साथ इमोशनल टच बन जाता है ना, है ना। सो गाइज यही था पांडे मेरा, थोड़ा सा दुख लग रहा था लेकिन क्या करें, अब उनको भी जाना है अपने को भी जाना ही है ना। तो गाइज मिलते हैं अब खारू पहुंच के 10 किलोमीटर्स, वहीं आज स्टे करेंगे, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे और फिर मेमोरी कार्ड देना भाई आप लोगों के लिए पहले, है ना, मेमोरी कार्ड। हाँ चलो। सो गाइस अब हमारा डिनर की तारीख हो चुकी है शुरू और भाई डिनर कौन पता बना रहा पता आपको, जो थोड़े दिन पहले ना अभी चले गए थे वो वापस मिल गए हमें फ्रॉम चेन्नई, दया एंड सुजीत भी, शरद, सुजीत सुजीत शरद, दया एंड शरद। सो दे आर मेकिंग पुलाव एंड विद पुलाव वी विल हैव सम, वेयर इज माय पूड़ी मसाला, गिव मी माय पूड़ी मसाला। पूड़ी मसाला कैसा होता है, दही एवरीथिंग इज रेडी। सो हार्डली इट विल टेक 5-10 मिनट्स, है ना, एंड देन वी विल हैव आवर बेस्ट डिनर। ओह माय गॉड दिस इज द पूड़ी मसाला, इफ यू नो फ्रॉम केरला चेन्नई साउथ, सो डू टैग एंड टेल मी अबाउट द पूड़ी मसाला, ओके। सो अभी गाइस हम लोग बस डिनर करेंगे, खाएंगे और भाई मजे लेंगे खाने का, ठीक है। सो फर्स्ट ये डिसाइड हो रहा था कि यहाँ पर ही कहीं पर, है ना सर, दया ने मुझे बताया कि दया टोल्ड्स मी दैट आगे जाके सीधा जाके ना मालाबार पराठा एंड एवरीथिंग इज देयर। सो वी डिसाइडेड नॉट टू गेट दिस, ओनली दिस राइस, बिकॉज पांडे जी भी बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खा पा रहे थे। लुकिंग फॉर अ खिचड़ी एंड फाइनली द राइस I thought it was going to be finished with the trip, but again the destiny decided to, you know, again bring us back together so we can enjoy again the food together, and here we are. So bas ab preparation ho chuki hai, hardly 5-10 minutes and the food is prepared. Aur ab hum khate hain khana, fir aapko batate hain kaisa laga khana. So bas milte hain bhai. मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम कारू, अभी हम लोग इस टाइम पे हैं कारू और बज चुका है 8:11 और अभी हम यहाँ से निकलेंगे अपने रूट मनाली के लिए। तो देखते हैं कितने टाइम पे हम पहुँच पाते हैं या आज नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह पे सुना है कि मतलब कि बर्फबारी भी हो रही है, बारिशें भी हो रही हैं, तो देखना पड़ेगा कैसे पहुँचते हैं हम लोग। बाकी ये है कि यहाँ पर जो हम लोग रुके थे इस होटल में, इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, कोको अभी तक सो रही है,
यहाँ से हम लोग निकलेंगे कारू से मनाली के लिए और रूट रहेगा हमारा हर बारह लाचा होते हुए शिशुया कहीं पर अगर जहाँ नज़दीक से नज़दीक पहुँच पाए और फिर वहाँ से सीधा हम निकलेंगे अपने घर के लिए। यानी अगर हम मनाली या शिशु रुक जाते हैं तो एक दिन में हम स्ट्रेच कर लेंगे सीधा अपने घर के लिए, यानी 8 से 9 घंटे में हम रात तक घर पहुँच जाएंगे क्योंकि वो होगा लैंड और उसके बाद गर्मी नहीं होगी, सर्दी नहीं होगी, इतना ठंड नहीं होगा, तो फिर इनके लिए भी परेशानी नहीं होगी कि हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लें। तो मिलते हैं गाइज ऑन द वे। बाकी आपको अगर हमारी जर्नी अच्छी लग रही है अभी तक मज़ा आया तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, और जितनी ये इन्फॉर्मेशन आपको अगर इन्फॉर्मेशन लग रही हो तो पास ऑन करिए अपने जितने भी दोस्त हैं, जो भी आपके दोस्त फैमिली मेम्बर्स जो जा रहे हैं, जो जाने वाले हैं, ताकि उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाए अभी का फिलहाल का क्या है इस टाइम पे सिचुएशन लेह लद्दाख एंड मनाली का और रूट का जितना भी। बाकी रूट बहुत अच्छे हैं, रोड्स बहुत अच्छे बन चुके हैं यानी आने के लिए, बस हालांकि यही दिक्कत होती है कि यहाँ पर बर्फ गिर जाता है तो उसके बाद ब्लैक आइस होता है तो जाने नहीं देते। तो बढ़िया रूट बन चुका है आने के लिए, टूरिस्ट आ सकते हैं अभी, लेकिन थोड़ा सा वेदर कंडीशन देखते हुए। बाकी मैं एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डाल दूंगा और जो यहाँ का जो डिजास्टर नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन आप डायरेक्टली कलेक्ट कर सकते हैं फ़ोन करके कि भैया रूट कहाँ कहाँ खुले हैं, कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, अगर आ रहे हैं तो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइज मिलते हैं आपको ऑन द रूट कारू निकलते कारू से निकलते हुए मनाली, ऑन द वे मनाली, क्योंकि उस रास्ते में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पासेज हैं जो आपको मैं स्कूबी कोको एंड पांडे अमित पांडे, क्योंकि अभी हम ही 4 रह गए हैं जो ट्रैवल पार्टनर्स है, बाकी जो शरद और दया है वो यहाँ से चले जाएंगे लेह के लिए और श्रीनगर वाया दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वो फिर चेन्नई, और हम यहाँ से डायरेक्टली मनाली, मनाली टू अगर मनाली पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो शिशु या उससे पहले कहीं रुक के फिर वहाँ से सीधे हम निकल जाएंगे अपने घर दिल्ली के लिए। तो गाइज टिल नाउ इट इज सो फार सो गुड, तो भाई मिलते हैं आपको ऑन द वे। व्हाट इज दिस शरद? So Sharad is giving me the podi masala because like 2 to 3 days we have having this food with the rice and everything. So I love this. So he knows that I love the podi masala. So now he is giving me the podi masala. अभी वो मुझे podi masala दे देगा और उसके बाद हम लोग podi masala खाएंगे, लेकिन मेरे को पता है कि ये मैं 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा। So I have to मतलब कि मुझे दोबारा पूछना पड़ेगा Sharad को कि भाई देने के लिए। Thanks yeah, thanks Sharad. Good morning friends, welcome to the channel once again, on the way to Manali, और कारू से अभी हम लोग निकल चुके हैं और देखते हैं आगे कितना पहुंच पाते हैं क्योंकि आगे फिर से हैवी स्नोफॉल हो चुका है और वहां शायद मिलिट्री जाने ना दे तो मे भी कहीं स्टे करना पड़ेगा हमें आसपास ही, या फिर आगे निकलेंगे हम लोग, देखते हैं जैसे भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वैसे करेंगे। बाकी अपडेट यही है कि हम यहाँ से जल्दी जितना हो सकता है उतना ट्रेवल करते हैं। ओहो वो देखिए महादेव जी की त्रिशूल पहाड़ के ऊपर, मतलब क्या मस्त बनाया है। सो मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं हर हर महादेव, और क्या बढ़िया बनाया वो ऊपर यार, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है, फिर कभी दोबारा आएंगे, मौका लगेगा तो यहाँ भी विज़िट करेंगे। उपसी अभी यहाँ से 11 किलोमीटर रह गया है और 11 किलोमीटर के बाद हमारा 400 के लगभग यानी 300 कुछ हमारा रह जाए, 400 लगा लीजिए, 400 लगभग हमारा मनाली रह जाएगा। सो फिलहाल अभी हमने उपसी चेक पोस्ट पार किया है, उपसी में हमने बाइक की एंट्री कराई है, बस नाम नंबर लिखवाया मोबाइल नंबर ताकि कुछ इमरजेंसी हो या उस चेक पोस्ट से अगर नहीं निकलते तो बीच में कहाँ रुक जाते हैं उसके लिए होता है ये बस। और अभी जो ये न्यूज़ मिली थोड़ी देर पहले तक हमें ये था कि पांग में बर्फ़ गिरा है और रास्ता थोड़ा सा ब्लॉकेज है, लेकिन अभी ये है कि पांग इज़ क्लियर, यानी अभी क्लियर है पांग और पांग से हम जा सकते हैं, यानी हम होपफुली और आगे बढ़ सकते हैं 12 लाचला की तरफ। क्लियर होगा तो भैया दिक्कत है, और यहाँ से यहाँ के लिए जाएंगे। आ जाओ आ जाओ, चलो पहला रिवर क्रॉसिंग इतने टाइम। सो
सो गाइस अपडेट ये है कि तांगलांगड़ा यहाँ से है 22 किलोमीटर और भाई हाथ ऐसे जम रहे, हमने इसके अंदर दो लाइनर और पहन लिए ग्लव्स के अंदर जैसे तैसे करके, और ये सामने देखे बर्फ गिरी है। ओहो तो इतना खतरनाक विंड ब्लास्ट आ रहा है और पेट्रोल भी नहीं है, वैसे इमरजेंसी पेट्रोल उन्होंने डाल रखा अपने पास, 5 लीटर है एक्स्ट्रा, तो जहाँ रुकेगी वहाँ पेट्रोल डालेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान कुछ हुआ ना हो टायर वायर को, पास सस्पेंशन टायर को। गाइस सो आपको दिख रहा है हम लोग बर्फ के बीच से बीचों बीच से जा रहे हैं पहाड़ों के, जो हम लोग को दूर से दिख रहा था हम उसके बीच में से जा रहे हैं। सो अभी मैं जो कुछ रिकॉर्डिंग है वो बस GoPro से नहीं करूँगा, सारा मैं करूँगा अभी 360 से, क्योंकि भाई बोल नहीं पाऊँगा ना इस वजह से, और ठंड भी ज़्यादा है तो एनर्जी सेव करने के लिए रखना पड़ेगा अपने पास, एनर्जी सेव करना पड़ेगा अपने आप को। ओह भाई साहब सर चु यहाँ से 28 किलोमीटर और है। सो गाइस मिलते हैं आपको थोड़ा सब तक, आप देख लीजिए नज़ारा ले लीजिए, और जो मेरे मुँह से में निकल रहा है गलत या सही उसके लिए माफ़ करिएगा, बिकॉज इट्स टू कोल्ड आउट हियर, ये -2 -3 डिग्री से भी कम है भाई, हाथ जम चुके हैं। स्कूबी एंड कोको की क्या हालत हो रही है वो तो आई डोंट नो व्हाट दे आर बियरिंग, बट आई एम प्रीटी श्योर कि उनको बहुत ठंड लग रहा होगा। सो जितना जल्दी होता है इस पास को क्रॉस करते हैं और मिलते हैं आपको आगे। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पांग, तो यहाँ अभी करेंगे ब्रंच यानी लंच और ब्रेकफास्ट दोनों करेंगे, आधा घंटा यहाँ रुकेंगे और फटाफट फिर यहाँ से निकलेंगे। और स्कूबी का नया दोस्त मिल गया है, स्कूबी है, स्कूबी कौन है, क्या नाम है इसका, स्कूबी बर्फ के चक्कर में फिर बर्फ गिरा ना, जाओ 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 दोनों चलो 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 चलो। तो बस अब यहाँ पर थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं और मतलब होटल है यहाँ पर, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर सब कुछ होगा, लेकिन अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट एंड लंच क्योंकि भैया डिनर करने का टाइम नहीं, डिनर करेंगे मनाली या उससे पहले कहीं शिशु विशु रुक जाए तो, है ना। तो जैसा होगा हालत खराब, नाक बहे जा रही है और हालत सामान पड़ा दे, कोई दिक्कत नहीं ना भारी, गर्म पानी दे दो, गर्म पानी में तो हाथ डालने का, चलो चलते हैं, चलो आ जाओ स्कूबी खाना खाते, आ जाओ स्कूबी स्कूबी आ जाओ आ जाओ, चल 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 चलो अंदर खेलना दोनों, आ जाओ। क्या हुआ, क्यों कोको के साथ लड़ रहे हो, कोई नहीं लड़ना यहाँ पे, सारे अच्छे बच्चे हैं ना, स्कूबी बोलो लड़नी लड़ने के लिए दोनों को। हाँ स्कूबी दीदी आप सबसे बड़ी हो यहाँ पे, पदम में हमने लंच कर लिया है अपना, अब यहाँ से निकलेंगे 12 लाचला की तरफ, इधर ही आ जा और देखते हैं कैसा रहेगा रास्ता वहाँ का। ओहो 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 सो अभी निकलेंगे हम लोग 12 लाचला मनाली की तरफ और देखते हैं कितना दूर दूर तक खींच पाए। वैसे तो अंकल ने बोला कि अगर जसपा तक आप खींच सकते हो खींच लो, क्योंकि यहाँ से 40 किलोमीटर तक आपका जो रोड है वो थोड़ा ख़राब है, तो बस यहाँ से जितना ज़्यादा हो सकता है खींचेंगे और देखते हैं जसपा पहुँच पाए तो ठीक है, नहीं तो सरचू में रुक जाएंगे, क्योंकि सरचू यहाँ से 129 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है।
वो रास्ता बहुत ही खराब है। क्योंकि ये है सिंगल वे रास्ता, अभी अगर हम चले जाएंगे तो बस को निकलने का वो नहीं मिलेगा, मतलब कि टाइम ही नहीं मिलेगा। एक बार ये हटा ही देते हैं। ओ भाई चले अब। ओह ये वो सिंगल सिंगल रास्ता जहाँ भैया एक ही गाड़ी जा सकती है और एक ही गाड़ी आ सकती है। देख रहे नीचे भाई साहब, नीचे देखा भी नहीं जा रहा भाई। तो गाइस अभी आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो कैमरे पे, मतलब कि बर्फ ही बर्फ आ रहे हल्के 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 हल्के, ये देखिए समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो, एकदम मतलब बर्फ गिरने लग गया 3 बजे के बाद। वैसे ही भूल गया था इन्होंने कि बर्फ गिर जाता है तो 12 से 3 के बीच में आपको 12 लाचला क्रॉस करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि वी कैन क्रॉस 12 लाचला टुडे, हम कल करेंगे। आज हम सरचू जाके रुक जाएंगे क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर के लगभग का रह चुका है और इतना ख़राब पास था भैया, इतना बड़ा पत्थर भाई मेरे मतलब कि नीचे लग के गया, पता नहीं क्या हुआ। और पांडे जी का जो लाइट का ना आगे का टूट गया, अभी तो पता नहीं मेरे बाइक में क्या क्या हुआ होगा, यही नहीं पता। और ओहो बर्फ़ गिरने लगी है। ये आपका लाचुंगला जो कि आपका 16,616 फीट की है ऊंचाई पर है। और आगे देखिए भाई साहब, आगे नज़ारा देखो। लाचुंगला क्रॉस करने के बाद हमारा जो आएगा सरचू, और भाई साहब पार भाई जबरदस्त है ना। ओहो जबरदस्त, अभी क्या ना स्नोफॉल होने लग गया है और रुकने में फायदेमंद नहीं है। नकीला, सो गाइस अभी हम लोग नकीला टॉप पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो तो नकीला टॉप मैं और स्क्रू भी पहुंच चुके हैं। नकीला टॉप जो कि 15,547 फीट। सो अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मौसम भी अब हो रहा है ख़राब। देखिए वहाँ से देखिए बर्फबारियाँ आ रही हैं और यानी ऑलमोस्ट यहाँ पर बर्फ़ गिर जाएगा। तो ये है आपका नकीला टॉप और ये स्कूबी, और मैं तो स्कूबी ने अचीवमेंट भी कर लिया, यानी हम लोगों ने 18,000 से फिट शुरू किया था, 16 और ये रहा 15,547 फीट। तो गाइस निकलते हैं और मिलते हैं आपको सर्च में, चलो। इनकी स्टोरी तो आपको पता ही होगी या नहीं पता होगी तो मैं बता देता हूँ। ये जो बोतल पड़ा हुआ ना, एक यहाँ ट्रेवलर आया करता था कॉफी टाइप का ना, उनकी उसके ना कहते हैं कि यहाँ पर आता भटकते हुए कई बार देखी हुई है। तो ये वो जगह है जहाँ पर वो आया था, फंस गया और उसको पानी पीने के लिए नहीं मिला, ऐसा कुछ था। तो उसकी हुई डेथ, तो उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। तो वो मतलब उसके लिए क्या करते हैं ना, यहाँ पर लोग खाली बोतल रख देते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, यानी आधी भरी आधी खाली बोतल रख देते हैं। बाकी जो स्टोरी है वो मुझे नहीं पता एक्चुअल में क्या है, बाकी मैं अभी देखता हूँ और फिर नीचे पहुँच के जब है ना सर्चू वहाँ पर आपको बताता हूँ क्या स्टोरी है इसकी, एक्चुअल में क्या स्टोरी है बोतल की। अगर नीचे मिलेंगे लोग तो उनको पूछेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो नीचे ढाबे में रहते हैं ना लोग, उनको एक्चुअल में स्टोरी पता रहती है और स्टोरी टेलिंग वो लोग अच्छे से कर सकते हैं। ये जो एक और चीज़ बताना था, ये जो जा रहा है ना ऐसे ऐसे करके यूं करके करते करते, इस जगह को कहते हैं गाटा लूप्स। कई वीडियोस में आपने देखा होगा यहाँ से ड्रोन शॉट होते हुए ऐसे 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 करके गाटा लूप्स जाता नीचे, यानी
ऐसे करते हुए मतलब नीचे zigzag करते हुए नीचे आता है, तो इसलिए इसको नाम रखा गया गाटा लूप्स। तो ये है आपका गाटा लूप्स सरचू से 29 किलोमीटर पहले। जैसे ही गाटा लूप्स ख़त्म होगा एकदम सही सीधा सपाट रास्ता आ जाएगा प्लेन और हम फिर पहुँच जाएंगे सरचू। तो वहाँ से 12 लास्ट लगा का कर सकते नहीं कर सकते ये पता नहीं यार, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं तो ये भी देखना पड़ेगा। पांडे का वैसे भी लाइट टूट चुका है। नहीं 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 करते यार, कल ही करेंगे। हाँ ये सारा गाटा लूप्स देख रहे हैं ना, गाड़ियाँ कैसे दिख रही है आपको, ये सारा गाटा लूप्स है जितना जब तक नीचे जाएंगे सारा घाटा लूप्स ऐसे 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 करके जा रहा रास्ता। एक मज़ा आता है इसी में बाइक चलाने में है ना लेकिन बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि ब्रेकिंग्स एंड क्योंकि आप नीचे उतर रहे हो, ऊपर नहीं आ रहे, नीचे उतर रहे, ढलान है और इसमें ब्रेकिंग का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़रा सी ब्रेकिंग का आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, गलत टाइम पे गलत ब्रेक लगाया, सीधा आप पार निकल जाओगे आगे, सीधे घाटा लूप से नहीं, सीधे घाटा आपका सीधा पूरा घाटा हो जाएगा। विस्की ब्रिज, इसका नाम है विस्की ब्रिज, ऐसा क्यों है पता नहीं बट इसका नाम है विस्की ब्रिज। अच्छा दो दो बन गए, ये वाला भी बन गया, ये वाला भी बन गया, दोनों बने हुए, तो इसका नाम है विस्की ब्रिज। किसी ब्रिगेडियर या कर्नल ने रखा होगा इसका नाम विस्की ब्रिज, ये लिखा है ना विस्की ब्रिज। ओ भाई साहब ये देखो कैसा लग रहा है ना, लगता है अलग ही दुनिया में आ गया, ये देख लो भाई लोगो, ये देखो सामने। ओहो हम इसी के अंदर लोग घुसने वाले हैं। ये अर्दू ऑन, ओ भाई ये आ जाएंगे हम सरचू और ये मेरे को लगता है हार होने वाला है 12 लाचला का भी। भाई साहब कैसे करेंगे भाई लोगों, यहाँ तो पूरा ही बर्फ ही रहा भाई, पूरा ही बर्फ है। ओ भाई सरचू अभी देखना पड़ेगा रुकने से पहले, सरचू 3 किलोमीटर ही हो रहा सरचू भाई, यहाँ तो बर्फ तो यहाँ भी गिरा हुआ है। ओह तो 12 लाचला का तो हालत ही खराब होगा फिर। ये सरचू है उसके आगे भी जगह है, उसके आगे भी बना हुआ है। अरे यार यहाँ तो हालत ही खराब होगा यार, कैसे रुकेंगे यहाँ पर। चलो देखते हैं गाइस मिलते हैं, थोड़ा स्ट्रगल तो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दोबारा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सरचू और आज का दिन बहुत ही बेहतरीन गया हमारा क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा दिन गया हमारा सुबह से लेके शाम तक। और प्लान तो यही था कि हम लोग आज 12 लाचला पास कर ले, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि भाई पता है क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था। 40 किलोमीटर का पैच तो हमें इतना ख़राब मिला कि भाई पांडे जी का जो देखा ही आपने कि लाइट भी जो साइड में जो उन्होंने फॉग लाइट लगा रखा था वो भी टूट गया और दो बार तो गिरते गिरते बचे। तो भाई यही था आज का दिन का पूरा जो समरी था, जो सार था यही था। बाकी आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे और फिर कल निकलेंगे हम लोग मनाली के लिए। कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली शाम तक पहुंच जाने चाहिए क्योंकि यहां से 200-250 किलोमीटर ही रह गया बस मनाली, है ना। तो बाकी मेन है कि जो हमारा 12 लाचला का पास वो हमें कवर करना है, तो देखते हैं कितना जल्दी हम लोग उसको कवर कर पाते हैं और सुबह का मौसम देखते हैं। बाकी बाहर तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर रखी है, बर्फ यानी पहाड़ों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, इतना ठंड हो रखा है ना भाई, बोलना सांस लेना तकलीफ हो रही है, हाथ जम रहे हैं भाई, मतलब कि ये बुखारे के सामने बैठे हुए हैं तब भी भाई मतलब ठंड नहीं जा पा रही है। तो भाई बस इसी मेहनत को देखते हुए भाई लोग मेरे और स्कूबी की जर्नी को आप लोग सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट ज़रूर करिए, कुछ ना कुछ तो कमेंट कर दिए, अच्छा बुरा जो भी आपको मन में आता है भाई वो कमेंट कर सकते हैं। और आज के लिए भाई इतना, सो फार सो गुड टिल नाउ, बस इतना ही रखेंगे आज के दिन और कल फिर शुरुआत करेंगे हम मनाली के लिए। तो मिलते हैं गाइस कल के दिन और देखते हैं कल मॉर्निंग में कैसा नज़ारा रहता है, कल का व्यू दिखाते हैं सुबह सुबह आपको। सो भाई लोग आज के लिए गुड नाइट, बाकी अगर सुबह को अपलोड कर रहा हूँ तो मैं भाई गुड मॉर्निंग जितने भी लोग हैं और ध्यान रखिए अपना।
है।